अस्सलाम वालेकुम। एंड्रॉयड के नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हम लोग हाजिर हैं। आज हम लोग जो है वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना देखेंगे। वर्चुअल डिवाइस बेसिकली एमुलेटर कहलाता है। एमुलेटर जो है आपके फ़ोन की एप्लीकेशन की टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ से आप देखेंगे कि AVD मैनेजर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टूल्स में भी आई थिंक सो आपको टूल्स में या यहाँ पे आप देख रहे हैं कि AVD मैनेजर आ रहा है। AVD मैनेजर में आप न्यू वर्चुअल डिवाइस अपनी क्रिएट कर सकते हैं। वर्चुअल डिवाइस से ये होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन की टेस्टिंग वगैरह के लिए काम आ सकती है। एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे बताएगा कि ये आप कौन सी कैटेगरी फ़ोन कैटेगरी का वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स दिखा रहा है, डिफरेंट स्क्रीन्स दिखा रहा है, नेक्सस 4, नेक्सस 5। ठीक है, मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ 3.7 नेक्सस 1। इसका साइज़ होगा 3.4 इंच और इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन होगी 480x800 HDPI हाई डेंसिटी। नेक्स्ट कर लें। ये वर्जन आपसे पूछेगा कि आप कौन सा वर्जन की AVD क्रिएट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे दिखा रहा है ये लॉलीपॉप अवेलेबल है, इसको आप नेक्स्ट करके माय एमुलेटर इसको आप नाम देते हैं कोई भी और यहाँ से फिनिश करेंगे, ये आपकी AVD क्रिएट हो जाएगी। AVD एक्चुअली आपकी वर्चुअल डिवाइस होती है, एमुलेटर होता है जिस पे आप अपनी एप्लीकेशन की टेस्टिंग कर सकते हैं। ये सम टाइम एरर्स भी जनरेट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये AVD यहाँ पे क्रिएट हो रही है आपकी। एमुलेटर विंडो वॉज व्यू, ठीक है, क्रिएटेड। इसके लिए आपके पास आप ये देख सकते हैं कि AVD क्रिएट हो गई है। यहाँ से आप इसको प्ले कर लें। प्ले करेंगे, ये आपका एमुलेटर अब स्टार्ट हो रहा है। ये आपका 5 से 10 मिनट लेगा एमुलेटर स्टार्ट होने में। जब ये रेडी हो जाएगा तो आप इस पर अपनी एप्लीकेशन की टेस्टिंग कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास डिवाइस अवेलेबल नहीं है तो आप एमुलेटर पे अपनी एप्लीकेशन की टेस्टिंग कर सकते हैं। मगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने रियल डिवाइसेस यूज़ करें, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करें। उससे ये होगा कि आपकी डेवलपमेंट जो है फास्ट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू AVD जो आपकी एमुलेटर है। थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपकी AVD का एमुलेटर का आइकन आ जाएगा क्रिएट होने के बाद। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारी AVD क्रिएट है। ये एक्चुअली आपका बिल्कुल फ़ोन की तरह बिहेव करती है। आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से प्ले करेंगे तो ये आपसे डिवाइस का पूछेगा कि आप कौन से डिवाइस पे अपनी एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं। जी हाँ, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमसे वो डिवाइस पूछ रहा है। मेरे पास यहाँ पे अपना LG का फ़ोन कनेक्टेड भी है और ये हमारा एमुलेटर है जो कि हम लोगों ने अभी क्रिएट करा है और उसको प्ले किया है। तो यहाँ पर ओके कर देते हैं। अब हमारी जो ये एप्लीकेशन है ये हमारे इस एमुलेटर पर रन होगी। ठीक है, सेम लाइक फ़ोन की तरह आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी। ये आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन एमुलेटर पे हमारी रन हो गई है, सेम लाइक जैसे फ़ोन पे एप्लीकेशन चलती है। जी हाँ, तो आपने देखा कि वर्चुअल डिवाइस कैसे क्रिएट होती है। मैं स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमें AVD मैनेजर में जाना होगा। AVD मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ से AVD मैनेजर जब ओपन हो जाएगा ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। यहाँ से आप न्यू वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर लेंगे और उसको आप जब प्ले करेंगे तो आपका एमुलेटर रेडी हो जाएगा कुछ मिनट्स के बाद और आप फिर अपनी एप्लीकेशन को प्ले करके चला सकते हैं।